तो आज मैं आपको कच्चा केला के कोफ्ता की रेसिपी बताने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 6 कच्चा केला ली हूँ और उसको अच्छे से धो के कुकर में आधा गिलास पानी रख के इस तरह से उबाल ली हूँ। 2 चम्मच अदरक लहसुन जीरा का पेस्ट ली हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला है और 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची फ़ोरन के लिए ले ली हूँ और 6 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर ली हूँ, नमक स्वाद के अनुसार ले ली हूँ और 2 प्याज का पेस्ट और 2 टमाटर का पेस्ट ली हूँ, 1 बड़ा प्याज, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ले ली हूँ। अब देखिए कच्चा केला को देखिए कैसे उबाला है। इसमें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ जीरा का और नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिए और प्याज बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च इसको भी डाल लीजिए इसमें और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, आधा चम्मच मिर्च पाउडर तीखा पसंद करते तो और डाल लीजिए, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल के अच्छे से हाथ से मैश कर दीजिए इस तरह से और छोटा छोटा बॉल इस तरह से बना लीजिए और इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर अच्छे से लपेट, इसी तरह से सारे मिश्रण का सारे बॉल्स बना लीजिए। देखिए इस तरह से अब कढ़ाई को गर्म कीजिए अच्छे से, जब कढ़ाई गर्म हो जाए, अच्छे से कढ़ाई गर्म जब हो जाए तो इसमें तेल डाल लीजिए। देखिए तेल को फुल फ्लेम करके अच्छे से गरम करना है, उसके बाद एक एक करके धीरे धीरे कोफ्ता को डालिए, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कीजिएगा सब एक साथ में, और इसको धीरे धीरे फ्लेम को कम करके धीरे धीरे अच्छे से तलिए, टूटे नहीं। देखिए गोल्डन ब्राउन इस तरह से अच्छे से फ्राई कर लीजिए, हो गया है लगभग। अब इसको एक प्लेट में अच्छे से निकाल लीजिए एक एक करके, देखिए सब फ्राई इसी तरह से सब कोफ्ता को फ्राई कर लीजिए अच्छे से। अब उसी कढ़ाई में 6 चम्मच के करीब तेल और डाल दे रही हूँ ग्रेवी के लिए, 1 चम्मच जीरा सबको ब्राउन करना है और लौंग, इलायची, दालचीनी को भी डाल दे रही हूँ, ये इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। अब इसमें अदरक लहसुन और जीरा का पेस्ट 2 चम्मच है उसको डाल रही हूँ और आधा कप इसके साथ आधा कप पानी भी डाल रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए। इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डालिए, तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा और मिर्च डाल सकते हैं। देखिए इसको भी फ्राई अच्छे से फ्राई करना है, बीच बीच में चलाते रहिए फ्लेम को तेज करके, ये देखिए ये लगभग हो गया। अब इसमें प्याज का पेस्ट, 2 प्याज का पेस्ट है उसको डाल लें और 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स कर ले रही हूँ इसको अच्छे से और तेज़ फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। देखिए बीच बीच में फ्लेम कम भी कीजिए ताकि मसाला अच्छे से फ्राई हो, बीच बीच में इस तरह से अपना चलाते रहना है ताकि मसाला जले नहीं। देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा तेल निकल रहा है, लगभग मसाला ये भी होने चला है। अभी तक तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एक बार जरूर बना के देखिएगा कैसा लगा। बहुत आसान है विधि बनाने के, देखिए ये लगभग मसाला अच्छे से भुना गया। अब इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक अच्छे से मिल जाए पूरे मसाला में। देखिए लगभग मसाला जा गया। अब इसमें टमाटर का पेस्ट डाल रही हूँ और 2 चम्मच पानी, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच पानी डाल के अच्छे से इसको मिला देंगे। ये कलर कितना सुंदर आ रहा है और खुशबू भी आ रही है अच्छी, एक बार जरूर इस विधि से बना के देखिएगा, बहुत इजी है। अब फ्लेम को तेज रखना है ताकि टमाटर अच्छे से पके
इसमें देखिए गरम मसाला डाल रही हूँ, 1 चम्मच गरम मसाला डाल के अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हो गया, देखिए पानी डाल रही हूँ मैं, 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप जैसा ग्रेवी रखना चाहते हैं उसी हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसको फुल फ्लेम करके अच्छे से खौलाऊँगी, और जब फुल फ्लेम में खौल जाए तो फ्लेम को कम करके 1 मिनट तक इसको खौलाना है। देखिए देखिए खौल गया, इसको 1 मिनट तक कम फ्लेम में भी खौलाइए, और 1 मिनट के बाद इसको बंद कर दीजिए। देखिए हो गया है, अब इसको 1 मिनट बाद बंद कर दीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसमें कोफ्ता डालिएगा तो अच्छा रहता है, गरम गरम में नहीं डालना है। देखिए आपका कोफ्ता का चकेला की कोफ्ता की रेसिपी तैयार है, इसको रोटी चावल के साथ